हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। तो मैं तरचंद, आज हम बात करते हैं बीए पार्ट सेकंड। और बीए पार्ट सेकंड के अंतर्गत हमारा आज सेक्शन है नया ए। सेक्शन ए के अंतर्गत हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो पहला है कि सामाजिक अनुसंधान। ये शोध वाला जो प्रश्न पत्र था हमारा फर्स्ट, सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण, सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण एवं उनकी पद्धतियाँ। तो इसके अंतर्गत जो पहला हमारा जो लेसन है वो है अनुसंधान, अर्थात सामाजिक अनुसंधान क्या है। सामाजिक अनुसंधान के विषय में हमने कुछ जो पद्धतियां हैं उनके बारे में पढ़ा था सेक्शन सी के अंतर्गत। सेक्शन सी में हमारे लिए जो डाटा महत्वपूर्ण थे, कलेक्शन ऑफ डाटा, जो तथ्य कि तथ्य क्या है, सामग्री क्या है, इसके बारे में। लेकिन जो तथ्यों की जरूरत पड़ती है वो सामाजिक अनुसंधान के लिए पड़ती है या अनुसंधान के लिए पड़ती है। अब हम इसके अंतर्गत ये बतलाते हैं कि अनुसंधान क्या है, अनुसंधान की क्या विशेषताएं हैं और अनुसंधान के विभिन्न चरण मतलब किस प्रकार से किया जाता है। सेक्शन जो सी था हमारा, वो हमारे अनुसंधान के अंतर्गत आने वाली पद्धतियां थी कि जिनके द्वारा अनुसंधान पूर्ण किया जाता है सेक्शन सी के। जैसे कि तथ्य है, तो सबसे पहले अनुसंधान के लिए हमारी क्या जरूरत पड़ती है, तथ्यों की पड़ती है। और तथ्य क्या है ये भी हमने उसमें वीडियो के अंतर्गत बतलाया था तथ्यों में। और उसके बाद में फिर तथ्यों को किस प्रकार से अनुसंधान के लिए व्यवस्थित किया जाता है, अनुसंधान के अंतर्गत तथ्यों को व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है, क्रमबद्ध पंक्ति बना करके, वो हमारी सारणी थी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान क्या है। सबसे पहली बात है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशल रिसर्च। सोशल का मतलब होता है सामाजिक अथवा समाज में, और रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान करना या खोज करना या पता लगाना या वास्तविकता का पता लगाना या वास्तविकता तक पहुंचना ही अनुसंधान कहलाता है। जिस चीज के विषय में हमें जानकारी नहीं है और उस विषय के संबंध में हमें विभिन्न पद्धतियों की सहायता से उसका पता लगाना ही वास्तविकता अनुसंधान कहलाता है। अर्थात तो उस वस्तु के प्रति क्या कारण है, क्या संबंध है, इस बात का पता लगाना ही अनुसंधान कहलाता है। और इसको हम अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री उपसर्ग है, सर्च तो यहाँ पर रिसर्च, अर्थात तो री का मतलब होता है पुनः या बार, और सर्च का मतलब होता है खोज करना या पता लगाना या जांच करना। कि जब तक पता लगाते रहना तब तक व्यक्ति किसी समस्या के संबंध में वास्तविकता कारणों सहित तो निश्चितता तक नहीं पहुँच पाएगा। अर्थात यही अनुसंधान है। कोई भी वैज्ञानिक किसी भी विषय के संबंध में जब खोज करता है तो वो प्रारंभ से लेकर के एंड तक जितनी बार, जब तक उस बिंदु तक वास्तविकता तक सत्यता तक नहीं पहुंच पाता तब तक वो वैज्ञानिक व्यक्ति लगा ही रहता है और अंत में जाकर वो सफलता पर पहुंचता है। तो यहाँ पर सामाजिक अनुसंधान के कुछ चरण भी हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति तार्किक पद्धति से किसी निश्चित यथार्थ पर एक सीढ़ियों के बाद पहुँचता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि ये दो शब्द हैं, हम इसके अर्थ के बारे में जानकारी करते हैं। सामाजिक अनुसंधान ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक प्लस अनुसंधान। मैंने आपको बताया था कि हम पहले अलग अलग कर देना चाहिए कि अनुसंधान क्या है या फिर सामाजिक क्या है। यहाँ पर अनुसंधान किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में या वैज्ञानिक क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में या किसी बस्ती आदि के संबंध में। तो अनुसंधान का क्षेत्र असीमित है। अब हमें किस क्षेत्र के अंतर्गत करना चाहिए अनुसंधान यह निर्धारित करता है। तो यहाँ पर हम समाजशास्त्र विद्यार्थी होने के नाते केवल सामाजिक घटना, सामाजिक संबंध, सामाजिक समस्याएं, सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक परिवर्तन आदि के विषय में अनुसंधान करने की जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए सामाजिक अनुसंधान कहलाती है। अर्थात हमारी जो विषय वस्तु है, जो क्षेत्र है, वो है हमारे लिए सामाजिक। समाज से जुड़ी समस्त समस्याओं
समाज से जुड़ी समस्त समस्याओं के संबंध में कारण और परिणामों आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है हमारे लिए सामाजिक अनुसंधान। मेरा मतलब यह है कि हमारा जो विषय वस्तु जो क्षेत्र हुआ वो केवल समाज से जुड़ा हुआ होगा, इसलिए हम कहते हैं इसको सामाजिक अनुसंधान। अर्थात समाज के विषय में, किसी समस्याओं के विषय में, किसी कारणों के संबंध में पता लगाने की जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए कहलाती है सामाजिक अनुसंधान। यहाँ पर अनुसंधान का अर्थ होता है खोज करना या पता लगाना। ये अनुसंधान को अंग्रेजी में हम रिसर्च कहते हैं। ये रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री का मतलब होता है पुनः अथवा बार बार, और सर्च का मतलब होता है खोज करना, अर्थात तब तक करते रहना कि जब तक एक व्यक्ति किसी निश्चित यथार्थ तक ना पहुंच जाए या सत्यता का पता ना चले तब तक व्यक्ति को वो कार्य करता रहना चाहिए। तो सामाजिक अनुसंधान को हम कहते हैं सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च, यह सोशल का मतलब होता है सामाजिक या समाज में, ठीक है, और रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान करना या खोज करना या शोध करना या अन्वेषण करना या पता लगाना। ठीक है, यहां पर रिसर्च खोज करना सत्ता का पता लगाना। अंग्रेजी का रिसर्च शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री का मतलब होता है बार बार या पुनः, और सर्च का मतलब होता है खोज करना या पता लगाना, अर्थात जब तक करते रहना तब तक व्यक्ति किसी निश्चित यथार्थ तक ना पहुंच पाए। किसी भी क्षेत्र में एक व्यक्ति अपनी सफलता तक ना पहुंच पाए तब तक वो उस कार्य को करता ही रहता है, इसी को हम कहते हैं। अच्छा, उस सफलता के पीछे कोई भी समाज के अंतर्गत घटना घटती है, समाज के अंतर्गत कोई भी घटना घटती है और समाज बहुत बड़ा है, कोई ना कोई समस्या रहती है। अब एक व्यक्ति उस समस्या के संबंध में उसके कारण और परिणामों का पता लगाना और उसका समाधान करना कि उस समस्या का क्या कारण है, इस बात का पता लगाना, और कारणों के पीछे उसका क्या संबंध है, फिर उसका समाधान क्या है, इस विषय में कोई भी व्यक्ति अपना कार्य करता है और निश्चित यथार्थ पर पहुंचता है, वही हमारे लिए अनुसंधान कहलाता है। ताकि हमारे समाज का विकास हो, समाज में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, समाज का विकास बाधक ना बने, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का जो एक आधार है वो हमारे लिए है सामाजिक अनुसंधान। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मान के चलो किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है, लेकिन डॉक्टर के पास हम जाते हैं और उसको हम ट्रीटमेंट लेते हैं, फिर भी इसी समस्या का कोई समाधान नहीं होगा, रोग का कोई समाधान नहीं, तो हम किसी लैब के पास जाते हैं, अर्थात खोज कि किसी बीमारी के बारे में खोज करने के बाद में जब उसका हमें ट्रीटमेंट लिया जाता है तो हम उसको सही हो जाते हैं, अर्थात हमारे अंतर्गत उस वैज्ञानिक पद्धति ने इस बात का अनुमान लगाया यह रोगी उस बीमारी के कारण परेशान है और यह उसकी बीमारी है, अब उसका हमें ट्रीटमेंट किया जाए तो हम जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर हम परिभाषा देते हैं कि समाज का सामाजिक अनुसंधान किसी सामाजिक समस्या, किसी सामाजिक घटना, किसी सामाजिक प्रक्रिया या सामाजिक परिवर्तन आदि के विषय में जांच करना या पता लगाना या निश्चित यथार्थ तक पहुंचना ही सामाजिक अनुसंधान है। अर्थात एक स्थान पर बोगार्स ने कहा है कि सहचारी अर्थात एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में पता लगाने की जो प्रक्रिया है वो है हमारी सामाजिक अनुसंधान। पीवीएम कहता है कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत से सामाजिक घटना या सामाजिक समस्या के संबंध में तार्किक वैज्ञानिक पद्धति से व्यवस्थित कार्य करने की प्रक्रिया ही सामाजिक अनुसंधान कहलाती है। फिचर कहता है कि एक साथ रहने वाले लोगों के संबंध में कारण और परिणामों के बारे में पता लगाने की प्रक्रिया ही सामाजिक अनुसंधान कहलाती है।
यहाँ पर उपयुक्त तो सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक अनुसंधान किसी सामाजिक समस्या, किसी सामाजिक घटना आदि के बारे में तार्किक क्रम व्यवस्थित तरीके से खोज करने की जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। आगे की वीडियो में सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और परिभाषाओं के बारे में विस्तृत जानकारी।